थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अबा फादर, धन्यवाद ईश्वर, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अबा फादर, वी लव यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी वर्शिप योर होली नेम, वी प्रेज योर होली नेम, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अबा फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर फिर से एक बार पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को अभिवादन करता हूँ। जय मसीह की, सबको शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की शांति आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। और चलिए आज की सभा की हम शुरुआत करते हैं आराधना के द्वारा, और तुरंत प्रार्थना के बाद हम प्रचार में चलेंगे। जो विशेष जो सब्जेक्ट हमने चुना है, जो विषय हमने चुना है, झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक। थैंक यू जीसस। तो आइए हम इस प्रचार को शुरुआत करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, आराधना की शुरुआत करते हैं और अपने जीवनों को फिर से एक बार खुदावन यीशु के हाथों में समर्पित करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु जी। यहोवा, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है, हमें तेरी जरूरत है हर समय। थैंक यू अबा फादर, थैंक यू लॉर्ड। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने सूरत यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यीशुआ मुझे तेरी जरूरत है। धन्यवाद यीशु, सच में हम तेरे बिना नहीं रह सकते यहोवा, हरदम हमें आपकी जरूरत है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू मेरे चेहरे की रौनक है मेरे पिता परमेश्वर, और मेरी कुवत भी तू है प्रभु जी। यस लॉर्ड, यस मास्टर, वो चेहरे की रौनक आज देखकर तेरी कुवत से तू आगे बढ़ गए। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, तेरे बिना ये जिंदगी, तेरे
बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यशुआ, मुझे तेरी जरूरत है। यस खुदावन, हमें तेरी जरूरत है, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं राजा। आज हम परमेश्वर आपकी अगुवाई में चलना चाहते हैं, तेरे कलाम को आज हम हमारे जीवन में पूरी तरह से आज स्वीकार कर उसके अनुसार चलना चाहते हैं। यस लॉर्ड जीसस, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी वर्शिप योर होली नेम, वी प्रेज योर होली नेम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस जीसस, वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू मास्टर, वी लव यू लॉर्ड, थैंक यू अवर फादर। धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद पिता। तेरा कलाम है से जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है से जैसे हो अनमोल मोती, चराग है कदमों के लिए अब मेरी राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, चाहे जमा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। इस आसमान को बनाने वाले, कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते राजा, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ नदियां और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यशुआ, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद देते हैं राजा को, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं,
इस सुंदर से अवसर के लिए, ये सहभागिता के लिए, इस सेवकाई के लिए, आज के दिन के लिए, इस नए जीवन के लिए, एक नए मसीह के लिए, हे राजा यीशु नासरी के नाम में हम तहे दिल से आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हम पर दया कर, हम पर कृपा कर, तेरी मर्जी तेरी इच्छा हमारे जीवन में सफल हो। और आज जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे प्रभु जी, ये छठा भाग हम देखने जा रहे झूठी सेवकाई और झूठे सेवक, ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम कहीं पर भरमाए ना जाए। Nobody deceive us. That's why Lord we need your right teaching, your truth and your knowledge and wisdom. We need your knowledge and your wisdom. प्रभु हमें आपका wisdom चाहिए, आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि चाहिए ताकि प्रभु हम भरमाए ना जाए। तो मसीह यीशु के नाम में प्रभु या विश्वास में लगातार आपको खुश करने वाले पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले तेरी संतान बने, इसलिए हम पर दया कर और इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमारे जीवन में अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं, सारे डिस्टर्बेंस को यीशु नासरी के नाम में हम निकाल देते हैं, सारा आदर हम आपको देते हैं। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होती, जो मांगा है वो हमने पाया है, यीशु के नाम में मांगते थे, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, सबका खुदा और यीशु नासरी के नाम में हम स्वागत करते हैं। और जो विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे आइए हम उस विषय में चलते हैं। और उसके लिए जो वचन हमने चुना है वो वचन है मत्तई का सुसमाचार अध्याय और वचन 4। अब ये वचन क्या कहता है, यीशु मसीह खुद हमें यहाँ पे आगाह करते हैं, यीशु मसीह खुद हमें यहाँ पर सावधान करते हैं। अब वो कहते हैं कि बहुत से झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे, बहुत से मेरे नाम से खड़े हो जाएंगे, इसलिए सावधान हो जाओ ताकि तुम भरमाए ना जाए। अब अभी ये जो माहौल हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर ये बातें हमें दिखाई पड़ रही है, अब खुदावंद चाहता है कि हम इन परिस्थितियों में अभी समझदार बन जाए, ना केवल बच्चे के नहीं, जैसे वो बच्चा छोटा होता है जब बचपन से वो दूध पीता है, लेकिन जब वो जैसे बढ़ते जाता है ना, तब वो पौष्टिक अन्न खाता है, खाना खाता है, अपनी माँ के हाथ से एक समय तक वो खाना खाता है, लेकिन एक समय आता है वो अपने हाथों से या स्पून से वो खाना खाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसी वैसी मैच्योरिटी आने शुरुआत हो जाती है। और लेकिन क्या होता है कि बहुत से बार आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ लोग बढ़ाते नहीं है बच्चों को, या कुछ बच्चे बढ़ना नहीं चाहते, कुछ एबनॉर्मल होते हैं या किसी को एबनॉर्मल बनाया जाता है। लेकिन आज आपको कहीं ना कहीं सावधान रहने के लिए आपके लिए कोई पास्टर, कोई प्रेरित, कोई प्रोफेट, कोई इवांजेलिस्ट या कोई विश्वासी या कोई माइटी मैन ऑफ गॉड आके बचा नहीं सकता। आपका बचाव आपको करना होगा, आपको तैयार होना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक माहौल होने वाला है, जिसके बारे में यीशु मसीह मत्तई 24:24 में कहता है, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह उठ खड़े हो जाएंगे और वो अपने परमेश्वर के चुने हुए को भी लगाए भी। इसका मतलब चांसेस है कि इन सब बातों में, एट्रैक्टिव बातों में, हीलिंग, मिरेकल्स, प्रोफेसीज, ये सब बातों से बहुत सारे लोग अपने जीवन में भरमाए जाएंगे। अब वहां पर हमें स्टेबल रहना है, इसलिए बाइबल हमें कहती है कि सावधान हो जाओ। अब सावधान होने के लिए हमें बाइबल के निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। अब ये झूठी शिक्षा के बारे में हमने बहुत कम से कम 8 प्रकार देखे, जिसमें अन्य प्रकार की शिक्षा है, और प्रकार का उपदेश है, विचित्र और नाना प्रकार की शिक्षा है, दुष्टात्माओं की भरमाने वाली शिक्षा है, व्यर्थ बातों की शिक्षा है, सड़े घाव के जैसा फैलने वाली शिक्षा है, चिकनी चुपड़ी बातों वाली शिक्षा है,
जिसके द्वारा आज बहुत सारे विश्वासी इन गलत संगति में भरमाए जा रहे। और फिर से एक बार मैं उस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति हम किसी के खिलाफ नहीं है। ये जो शिक्षा बाइबल में दी गई है इसलिए दी गई है ताकि हम सतर्क रहे, हम सावधानी बरते, हम भरमाए ना जाए। इसीलिए बाइबल हमें वो शिक्षा देता है, क्योंकि बहुत सारी बातें आने वाले दिनों में बिगड़ने वाली है। अच्छे अच्छे चुने हुए लोग भरमाए जाएंगे, अच्छे अच्छे जो पुराने विश्वासी भरमा लिए जाएंगे, क्योंकि ये जो सारे बातें जो मत्तै 24:24 में यीशु मसीह कहते हैं कि ये झूठे भविष्यवक्ता या झूठे मसीह चिन्ह और अद्भुत बातें करेंगे, और वो अद्भुत बातें ऐसी होगी जो हमें और आपको आश्चर्यचकित करेगी, हमें अचंभा करने के लिए वहां पे हमारी आंखों को बड़ा कर देगी। लेकिन अगर हमारे पास वचन है तो वचन की नींव पर हम जो अद्भुत बातें हो रही है हम उसको जांच सकते हैं कि दिस इज फ्रॉम गॉड और दिस इज फ्रॉम डेविल, हम उसको चेक कर सकते हैं। और मुझे बताने अजीजों, बाइबल हमें न्याय करने का अधिकार नहीं देता है, लेकिन बाइबल हमें जांचने का अधिकार देता है। आप जांच सकते हो, अगर आप टमाटर की गाड़ी के ऊपर अगर जांच कर अगर टमाटर लेते हो, चुन कर लेते हो, तो मुझे आपको बताना है तो सही शिक्षा या गलत शिक्षा इसमें आप जांच कर सकते हो। सही सेवकाई गलत सेवकाई इसको आप जांच सकते हो, सही सेवक गलत सेवक उसको आप जांच सकते हो। न्याय करने का अधिकार नहीं है हमें, लेकिन जांचने का अधिकार, परखने का अधिकार बाइबल हमें देती है। हालेलुया। हम किसी का न्याय करेंगे नहीं और करना चाहते भी नहीं, क्योंकि हमें वो अधिकार दिया गया नहीं है। हालेलुया। तो इन बातों में हम गहराई तक जाएंगे और बहुत सारी बातें परमेश्वर आपको सिखाएगा, बहुत सारी बातों में परमेश्वर आपको सुधारना देगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 2 तिमोथी 4:2 में अगर हम पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको यह अधिकार किसने दिया किसी के बारे में बोलने का। हम किसी के बारे में नहीं बोलते। जहां पर झूठी शिक्षा के द्वारा, नॉन बिब्लिकल बातों के द्वारा अगर कहीं पे भरमाया जाएगा या आध्यात्मिक वातावरण को अगर दूषित किया जाएगा, तो उस आध्यात्मिक वातावरण को वहां पे शुद्ध करने के लिए हम वचन के शुद्ध वचन की इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बारे में 2 तिमोथी 14:2 कहता है, डांट और सुधारना, समय असमय तैयार है। इंग्लिश में शब्द दिया है रिप्यूक देम। किसको रिप्यूक करो? जो वचन को अपने मतलब के अनुसार इस्तेमाल करते, जो परमेश्वर से ज्यादा अपनी महिमा करना जानते, जो होली वाली भेड़ों को भरमाना जाते, वहां पे हम डांट सकते हैं, सुधारना कर सकते। यहाँ पे ये ठेका हमें बाइबल देता है, ये अधिकार हमें बाइबल देता है। आगे हम मराठी में कुछ वचन पढ़ेंगे आज। तीत का पहला अध्याय, तीत को लिखा गया जो पत्र है, लेटर ऑफ टाइटस, पहला अध्याय अब वचन 10-13। तिमोथियस के दूसरे किताब के बाद ये तीत का किताब आता है। जल्दी पढ़ेंगे हम पहला अध्याय अब वचन 10-13। तिमोथियस पत्र नंतर, दूसरे तिमोथियस नंतर तीता सा पत्र, पहला अध्याय 10 पढ़े। हा सर्व प्रकारे इमान इतपारे वागावे, यासाठी की त्यांनी सर्व गोष्टी आपला तारणारा देव हा यांच्या शिक्षणात शोभा आणावी असा बोध कर। हमारा उद्धारक यीशु मसीह उसकी शिक्षा के अनुसार बोध कर। आज यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है, अपनी बनी बनाई शिक्षा पे चल रहे लोग। आगे देवाची कृपा प्रकट झाली आहे, सर्व मनुष्य को उद्धार देने वाली
परमेश्वर की कृपा यीशु नासरी के द्वारा इस दुनिया में प्रकट हो गई है। वो हमें इस तरीके से सिखाता है कि अकरा पासून वाच अभक्तीला व ऐहिक वासनांना पहिलं पत्र पहिला अध्याय वचन दहा पासून पहिला अध्याय वचन दहा तो दुसरा अध्याय दहा वाचत आहे। अनावर अव्यर्थ बात बोलने वाले और भरमाने वाले बहुत सारे लोग है। हाँ विशेषता सुद्धा मतलब खतना वाले लोग मतलब इसको नए नियम के अनुसार कह सकते पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गए लोग उद्धार का अनुभव जिसको आया है वे लोग हाँ उनका मुंह बंद किया जाए। यहाँ पे बाइबल चाहता है कि जो तीन कैटेगरी के लोग हैं नंबर एक मराठी में दिया है अनावर व्यर्थ और भरमाने वाले लोग दिया गया है निरंकुश बकवादी और धोखा देने वाले लोग ओके जो सिखाना नहीं चाहिए हाँ जो नहीं सिखाना चाहिए वो बातें बाइबल कहती है यहाँ पर अनुचित बातें सिखा कर पैसा कमाने के लिए हाँ ये लोग पैसों की बातें सिखा कर सीड योर सो योर सीड आपका पैसा वो ये सब बातें सिखा कर बहुत सारे विश्वासियों का नहीं तो उनके घरानों का नाश करता है। और अगर मुझे आपको बताना है अगर एक व्यक्ति अगर इस तरीके से अगर वो बकवादी धोखा देने वाला निरंकुश व्यर्थ बातों का फंसाने वाला अगर इस तरीके का अगर शिक्षा देता होगा तो मुझे आपको बताना है उसके वजह से अगर घराने के घराने विश्वास में अगर बर्बाद होते रहेंगे तो क्या हम शिक्षा के द्वारा ये बर्बाद होने वाले घरों को बचा नहीं सकते। अगर ये घर बचाए जाए तब कभी ना कहीं आज मुझे बताना है वचन की तलवार से लड़ाई करना जरूरी है। इन लोगों को रोक लगाना जरूरी है इन लोगों को अंकुश लगाना जरूरी है इन लोगों को सीधा करना जरूरी है ये बाइबल हमें बताता है। अगर घरानों का नाश ना हो बहुत सारे अन्य जाति के लोग अभी चर्च में आ गए कहीं ना कहीं सुनकर आ गए अन्य जाति के लोग परमेश्वर के बाग पे आना चाहते लेकिन कुछ दुष्ट लोग जो मनी मिनिस्ट्री करने वाले जो पैसों के ऊपर ये भोली भोली जो जनता आती है। परसों किसी ने मुझे फोन किया पास्टर जी आपने दुआ की मेरे लिए लेकिन मैं पहले एक जगह पर फोन किया था उन्होंने कहा हमारे अकाउंट में इतना इतना पैसा डाल दो तो हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। उन्होंने कहा आपने तो कुछ नहीं बोला मैंने कहा मेरे भाई मेरे परमेश्वर ने जो सेटमेंट में दिया है फ्री में दिया है वो मुझे सेटमेंट में देना होगा। अगर आपको परमेश्वर से प्रेरणा से अगर प्रभु को कुछ देना है तो आपका एक रुपया भी हमारे लिए एक करोड़ के हिसाब से हम पैसों के लिए सेवकाई ना करें। आज ये अनीति से ये सब अनुचित प्रकार करते हुए ये लोग सब गलत काम कर रहे हैं। हाँ आगे उन लोगों में से किन लोगों में से जो लोग निरंकुश बकवादी धोखा देने वाले
मराठी में दिए गए व्यर्थ बोलने वाले, अनावर जो अनैतिक काम करने वाले, फंसाने वाले, भरमाने वाले लोग, उन लोगों में भविष्य वक्ता है। वो भविष्य वक्ता क्या कहता है देखो, ये जो क्षेत्रीय समाज के लोग हैं, ये हमेशा ये लोग दुष्ट है, झूठे है, दुष्ट पशु नवे, दुष्ट आणि मग पशु है, दुष्ट और पशु एक शब्द में कि अलग शब्द में? ओके, दुष्ट पशु मतलब मेरे हिंदी बाइबल में दिया है, सदा झूठे, दुष्ट पशु, आलसी और पेटू है। चार प्रकार की कैटेगरी है यहाँ पे। आगे ये गवाही सच्ची है, कड़कपने मेरी हिंदी बाइबल में दिया है, कड़ाई से। आप कभी कभी आ गए, तुमने तुमको किसने अधिकार दिया? बाइबल कहता है कड़कपने मराठी, और हिंदी में दिया है कड़ाई से। आगे उनके उनके दोष है, उनके माथों पर मार दो। हिंदी में दिया है कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। आगे बस क्या दिया यहाँ पे, उनके गोद में उनके गलती को उनके माथे में डाल दे, कड़ाई से चेतावनी। कुछ लोग कहते कि हम नहीं बोल सकते, बाइबल हमें यहाँ पे परमिशन देता है, बाइबल हमें ये बात बताता है, बाइबल ये बातों से हमें आगाह करता है। क्यों आज ऐसे कोई लोग है क्या आज ऐसे कोई भविष्यवक्ता जो सच्चाई की बातें बता रहे? आज के भविष्यवक्ता केवल भौतिक भविष्यवाणियों में पड़े हुए, क्या उनको आध्यात्मिक भविष्यवाणी नहीं आती है? क्या उन्हें राष्ट्रों की भविष्यवाणी नहीं आती है? क्या उन्हें लोगों के पाप प्रकट करने वाली भविष्यवाणी नहीं आती है? भविष्यवक्ता ही सेवकाई हो, पास्टर की सेवकाई हो, प्रेरित की सेवकाई हो, कोई भी सेवकाई हो, वो सेवकाई का मकसद ये होना चाहिए जो राह बिगड़ी हुई है, जो राह टूटी हुई है, जो परमेश्वर की राह लोगों ने टेढ़ी मेढ़ी की है, जो लोग परमेश्वर की राह से भटक गए हैं, उनको परमेश्वर की राह पे लाना, ये है सही सच्ची सेवकाई। आगे चलते हम और वचन पढ़ेंगे कि प्रकाशित अध्याय वचन 2 Revelation chapter 2 and verse 2 प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और वचन 2 हाँ, तेरा काम, तेरा श्रम, वो तेरा धीरज, ये मुझे पता है। हाँ, तुझे पूरे लोग तू देख नहीं सकता, जो प्रेरित ना होने के बावजूद हम प्रेरित है, खुद आज सेल्फ प्रोक्लेम प्रेरित आ रहे, सेल्फ प्रोक्लेम अपोस्टल दिख रहे हमें, कहीं से भी उठते कल आने वाले। ओके, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था, फिर से हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय वचन 2 हाँ, तेरा श्रम और तेरा धीरज, ये मुझे पता है, तुझे पूरे लोग तू सहन नहीं कर सकता, तू देख नहीं सकता, तो अपने आप को प्रेरित कहते जो प्रेरित नहीं थे, हम प्रेरित है ऐसे जो लोग कहते हैं, उनको तूने परख कर सफला, और वो झूठे है ऐसा तुझे दिखाई पड़ा। अभी हिंदी में देखो बहुत अच्छी बात है, इफिस नाम की कलीसिया को दूत के द्वारा भेजा गया संदेश है। इफिसिस ये पहली कलीसिया है जहाँ पे हमें दिखता है कि ये संदेश 7 कलीसियाओं को संदेश भेजा गया है, उसमें से इफिस की कलीसिया को क्या कहा गया है, तुझे दुर्जन, तुझे बुरे लोग तू देख नहीं सकता, तेरा धीरज अच्छा है, तेरा काम अच्छा है, तू जो प्रेरित नहीं थे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। इफिस की कलीसिया को पत्र लिखने के बाद यहाँ पे इफिस की कलीसिया को उसकी यहाँ पे स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए दूत के द्वारा यह कहा गया है,
कि तेरे अंदर एक ऐसी बात है कि तू परखने में एक्सपर्ट है। तूने जो झूठे प्रेरित थे, जो खुद को प्रेरित कहते हैं, उनको परख कर उनको तूने वहां पर बाइबल कहता है कि तूने परख कर झूठा पाया। हालेलुया। मतलब परखने के बारे में बाइबल हमें अनुमति देती है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि दोष मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो। आज बहुत सारे लोग आराम से अपने घरों में अपनी कली से सटल है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आज जो परमेश्वर का मेरे बाप का काम कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया जा रहा है। कुछ लोग उसको बिगाड़ रहे व्यर्थ बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से, मनुष्य रचित सिद्धांतों से, लुभावने वाली बातों से, सड़े घाव के जैसी शिक्षा देकर हमारे पिता के मार्ग को कुछ लोग भ्रष्ट कर रहे, पैसा कमा रहे। तो कौन इनिशिएटिव लेगा, कौन जाएगा और इस मार्ग को सीधा करेगा? और जो मार्ग सीधा करने की कोशिश करता है उसे शास्त्री फरूसी कहा जाता है। जिनको वचन छुपता है ना, उनको समझना है कि मुझे कहीं ना कहीं खुद में करेक्शन करना होगा, मुझे कहीं ना कहीं बदलना होगा। अगर मुझे वचन छुपता है, आज भावनिक बातों में बहुत ज्यादा समय दिया जाता है, लेकिन वचनों की बातों में बहुत कम समय दिया जाता है। हालेलुया। इसलिए ये थोड़ा सा बाइबल स्टडी की जैसा टीचिंग है और ये बहुत लंबा चलेगा। तो आज हम और एक बात देखेंगे कि परखने का अधिकार हमें पौलुस बताता है, हमें पत्रस बताता है, योहन्ना क्या कहता है, योहन्ना का पहला किताब, योहन्ना का पहला पत्र, चौथा अध्याय, वचन एक, क्या कहता है योहन्ना का पहला किताब चौथा अध्याय वचन एक। हाँ, हे भाइयों, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा पे विश्वास ना करो। आगे, वे आत्मा जो सेवक है या कोई भी हो, वो परमेश्वर की ओर से है क्या नहीं, उसे परखो। क्या विषय तंची परीक्षा करा, उस विषय में उनकी परीक्षा करो। हाँ, यहाँ पे घूम फिर के बात देना भविष्यवक्ता पे जाती है। बाइबल में नए नियम में अगर देखेंगे, झूठे प्रेरित इतना केवल प्रकाशित वाक्य में दिखता है, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता के बारे में ज्यादा लिखा गया है। झूठे प्रचारक, झूठे पास्टर, झूठे टीचर, इनके बारे में इतना नहीं है, लेकिन यीशु मसीह से लेके जहां पे यीशु मसीह पर ही एंड होता है प्रकाशित वाक्य में, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बात आती है। और आज बहुत सारे लोग कानों को मीठी लगने वाली बातों से उस भविष्यवक्ता को समझते कि वाह वाह, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है, क्या ये परमेश्वर की ओर से है? या हमें सोचना होगा। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे हमें अधिकार देता है हर एक आत्मा पे, फिर वो राजू ठाकुर क्यों ना हो। आपको बढ़ना होगा परमेश्वर में उतना। परमेश्वर में बढ़ना मतलब केवल रबा रबा बोलना नहीं है, परमेश्वर में बढ़ना मतलब अद्भुत और सामर्थ्यशाली बातें बोलना नहीं है। तो परमेश्वर में बढ़ना मतलब उसके वचन के ज्ञान में, आत्मा में, अभिषेक में बढ़ना। केवल टेक इट फायर, रिसीव फायर में कोई बढ़ता नहीं है। हमें वचन में और उसकी उपस्थिति में बढ़ना होगा, हमें कैरेक्टर हमारा चेंज करना होगा, हमें परमेश्वर की इच्छा की नहीं चलना होगा। बाइबल हमें कहता है परखो, फिर वो कोई भी उसको परखो। अगर आप परखते हो और आपको समझता है कि ये झूठा है, जो आपने प्रकाशित वाक्य दो दो में देखा है, वो इफिस की कलीसियाओं ने झूठे प्रेरितों को परखा, अब उन्होंने पाया कि ये झूठे, वो वहां से एक साइड चले गए। हमें न्याय नहीं करना है। अगर हम परखते कि ये रास्ता गलत रास्ते पे जा रहा है, हम वो रास्ता छोड़ के सही रास्ते पे आते, ये रास्ता हमें भटका रहा है, वो रास्ता छोड़ के हम सही रास्ते विचारे। जब आपको समझते है कि बाबा यह रास्ता हमें भटका रहा है, तो हमें इस रास्ते को छोड़ के आगे जाना होगा। बहुत सारे बार हम इन बातों के ऊपर अध्ययन नहीं करते, इन बातों के ऊपर गहराई से नहीं सोचते, अगर हम चलते रहते पागल के जैसा।
आज इन बातों के ऊपर हमें गहराई से सोचना होगा। अब मैं थोड़ा सा आज एक और बात आपको बताना चाहता हूं। भविष्यवाणी संदेश ये जब आता है तो एग्जैक्टली वहां पे परमेश्वर का क्या काम होता है, तो उसके लिए हमें फिर से एक बार प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में प्रकटीकरण 19:10 को पढ़ना होगा। प्रकटीकरण 19:10 तब मैं योहन्ना कह रहा है, जो स्वर्गदूत उसे स्वर्ग की सब बातें बता रहा था, वो कहता है कि जब मैं स्वर्गदूत के पैरों को उसके चरण को स्पर्श करने वाला था, तब उसने मुझे कहा, स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरे साथ का के बारे में गवाही देते हैं, मैं तेरे भाइयों के जैसा, तेरा एक भाई के जैसा, एक तेरा दास के जैसा, एक तेरा दोस्त के जैसा मैं हूँ, तेरे साथीदार के जैसा हूँ। अगर नमन करना है तो परमेश्वर को कर, अगर चरण छूने हैं तो परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर सजदा कर। अभी मैं थोड़ा सा एक गलत शिक्षा कुछ साल पहले हमारे पुणे शहर में फैल गई थी। एक तकरीबन मुझे लगता है कि एक 4 से 5 साल पहले की ये बात होगी। मैं नाम भी बताना चाहता हूँ उस सेवक का, शायद आपको ये बातों से आगाह करना ये मेरा काम है। उसका नाम है गौतम अवसरमल, और ये पासवान खुद को कहलाते हैं, प्रेरित को खुद को कहलाते हैं। अभी आप मैं जो बात आपको बता रहा हूँ इस वचन की बेस के ऊपर बता रहा हूँ और संदेश और बताना चाहता हूँ। और जब ये पासवान जब कई अफ्रीका में जाकर आए, और आने के बाद उन्होंने अपने चर्च में उन्होंने एक पैटर्न शुरू किया, एक तरीका शुरू किया उनकी सेवकाई में। वो तरीका ये था कि उन्होंने लोगों को कहा, टच माय शूज एंड गेट योर ब्लेसिंग, अगर मेरे शूज को, मेरे जूतों को छूकर आप नमन करते हो ना तो आपको कार मिलेगी, मेरे जूते को छूकर अगर आप नमन करते हो ना तो आपको बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको दौलत मिलेगी, आपको शौहरत मिलेगी। और वहां पे जहां पे वो चर्च चला रहे थे ना, वो एरिया पूरा गांव वालों का एरिया था, ग्रामीण भाग था, पूरा विलेज पीपल, रूरल एरिया में था वो, पूरा एकदम अलग एरिया में जो रहते लोग, जो गांव में रहने वाले लोग, ऐसे जगह पे वो चर्च चला रहा था। और ऐसा हुआ कि वहां पे उन्होंने ये कंसेप्ट लाया, अब गांव वाले बिचारे भोले लोग, उनको पता नहीं ये सब क्या बात है। जैसा वो लोग उनके स्वामियों के चरणों को छूते हैं, जैसे उनके मूर्तियों को छूते हैं, वैसे उन्होंने इस पास्टर के जूते को छूकर उनको लगा ब्लेसिंग मिलती है। उन्होंने गाना भी बनाया था, गॉड इज मनी 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 मनी, गॉड इज मनी मनी, मतलब परमेश्वर पैसा है, ऐसा गाना भी उन्होंने बनाया था। अब ये इतना, मतलब जैसा मैंने कहा आपको, तिमोथियुस का दूसरा पत्र, उसका दूसरा अध्याय वचन 17 में पौलुस तिमोथियुस को कहता है कि ये गलत लोगों की के जैसे फैलेगी, गैंग्रीन के जैसे फैलेगा। अब ऐसा हुआ कि उस टाइम पे ये बहुत बवाल हो गया हमारे पुणे शहर में, इतना बवाल हो गया कि कुछ चुने हुए लोग भी मत्तयी 24:24 के अनुसार इस भरमाने वाली शिक्षा के, भरमाने वाले बातों में भरमाए गए, और कुछ चुने हुए लोग भी वहां पे कनेक्ट हो गए। और वहां पे उनको वो करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, गाड़ी मिल रही थी, बंगला मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था, लेकिन क्या ये अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्या ये तरीका सही था? फिर इस तरीके को सही करने के लिए जो वचन अभी हमने पढ़ा, उस वचन में स्वर्ग में यूहन्ना उठा लिया गया। अब उस वचन में वहां पे बाइबल कहता है कि जब यूहन्ना स्वर्गदूत के पैरों को छू रहा था, तो स्वर्गदूत कहता है, मैं तेरे जैसा एक भाई हूं,
नमन करना है तो परमेश्वर को नमन कर। लेकिन ये शिक्षा आई, इस शिक्षा के द्वारा बहुत सारे लोग भरमाए गए, बहुत सारे लोगों को वहां पे अच्छी पोस्ट मिली, कुछ लीडर बन गए। और एक समय के बाद ऐसा हुआ कि उस चर्च के अंदर भी कुछ बवाल मच गया। वो पास्टर को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन संस्थाओं ने एक्सपोज किया, तो सारे महाराष्ट्र के लोगों की माफी मांगने के लिए मजबूर किया। फिर वो गौतम आउटसरमन नाम का जो पास्टर, उसने माफी मांगकर ये कहा कि मैं अफ्रीका में गया था, अफ्रीका में ये तरीका था, ये मुझे पता चला और मैं गलती किया हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन उस चर्च में कुछ गड़बड़ी हो गई। उसके पास जो लीडर्स थे, जो लोग सेल ग्रुप चलाते थे चर्च का, वो अपने अपने सेल ग्रुप को लेकर अपना चर्च प्लांट कर दिए। फिर उसी में कई एक व्यक्ति जो वहां पे लीडर्स था, वो जिसका आत्मिक पिता बोलकर वो व्यक्ति का नाम भी वो लेता है हमेशा, गौतम अवसरमल मेरा आत्मिक पिता बोलकर बोलता भी है वो। फिर वो बात हो गई ऊपर से, फिर हमें पता चला कि अरे फिर ये आदमी गड़बड़ी कर रहा है। मतलब बाप में गड़बड़ी है तो बेटे में भी गड़बड़ी है। टच माई शूज एंड गेट योर ब्लेसिंग, मेरे चरणों को छू लो और आशीष ले लो। ऐसी शिक्षा देने वाले, भरमाने वाले लोग आज दुनिया में आए हुए हैं। ऐसी गलत शिक्षा देने वाले, भरमाने वाले लोग आज दुनिया में आए हुए। जब हमने इसका खंडन किया तब ये व्यक्ति एकदम जलजलाहट के साथ अपने संडे चर्च में प्रचार कम, लेकिन गुस्सा बहुत प्रकट कर रहा था और कह रहा था ये गुस्सा नहीं है, ये सामर्थ है। आज ऐसे बचकाने कोशिश करने वाले लोगों के ऊपर आज शैतान भी हंसता होगा। और यहां पे जो वचन कहता है, पैर किसी स्वर्गदूत का भी नहीं पढ़ना चाहिए, इंसान का तो नहीं, लेकिन यहां पे स्वर्गदूत सबक दे रहा है, नमन करना है तो परमेश्वर को। जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने आए, तब उसने कहा कि क्या कर, मुझे नमन कर ताकि दुनिया की कायनात की सारी दौलत में तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐसा लिखा है तू अपना परमेश्वर उसे ही नमन कर। आज दुनिया के लोग ये गलत बातों से खुद को सारा क्रेडिट ले रहे, परमेश्वर के दास ओसाना ओसाना कहते हुए जहां पे उस खजूर के उस डालियों के ऊपर यीशु मसीह गधे पर बैठकर आया, अभी उस दिन के देर समय परमेश्वर के दास उसके ऊपर से चलकर जा रहे जो यीशु बन गए, जो यीशु के नाई बन गए। मुझे आपको बताना है ये बातों को आपको परखना होता अजीजों, और उसको परखने के लिए आपको परमेश्वर के कलाम में बढ़ना होगा। आपको निश्चय धन दौलत चाहिए, लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है पता है? पत्रस कहते हैं परमेश्वर का कलाम इस दुनिया में अति महान ऐसी चीज है, जो उसको प्राप्त करता है उसके पास वो दौलत आती है। हालेलुया। और बाइबल यहां पे स्पष्ट रीति से बताती है कि नमन करना है तो परमेश्वर को कर। अब इन बातों से यहां पे अभी दिखता है कि उस पास्टर के जो चेले आज पुणे में जगह जगह पर फैल गए, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला, गुरु जैसा है गुरु के गुण उस चेले के अंदर आ जाते। अगर हमारा गुरु यीशु मसीह ना, तो हमारे भीतर यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की सेवकाई का सही तरीका आना चाहिए। अगर हमारे भीतर अगर व्यर्थ बातें, तो हमें सुधरना होगा। क्या मैं गलत सेवकाई तो नहीं कर रहा हूं? क्या दुष्ट मुझे भरमा रहा तो नहीं? बहुत सारे सेवकों को आज लूसीफर और उसकी सेना आज उनको भरमा रही है, उन्हें पता नहीं चल रहा है, उनको लग रहा है भविष्यवाणी सही हो रही है, उनको लग रहा है मिराकल हो रहा है। ये मत समझो कि ये मिराकल परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि दुष्ट भी अभी इस जमाने में काम कर रहा है। यीशु मसीह खुद उसकी गवाही देता है। मत्तई 24:24 को गौर से आके खोल कर पढ़ो। आने वाले दिनों में ऐसे अद्भुत और बड़े चिन्ह किए जाएंगे जिसमें चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। आज ये बातों से हमें सतर्क होना बहुत जरूरी है। अब जब एक वचन आज हम पढ़ेंगे, अब उस वचन में एक महत्वपूर्ण बात को हम देखेंगे। वो महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत से बार इस वचन को लेकर है ना, मैं एक जो 15 मिनट मेरे पास है, इस 15 मिनट में
मैं एक पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं कि हम दोष क्यों दिखाना चाहिए। दोष दिखाने के बाद, दोष मतलब जो परमेश्वर के मार्ग की सेवकाई को जो बिगाड़ देते हैं उनका दोष क्यों दिखाना चाहिए, आज ये बात आपको समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि अगर हम ये बातों को अगर क्लियर नहीं करेंगे फिर मैंने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द आते हुए सुना, वो कहती है अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य दिया गया है। अभी ये जो 10-15 मिनट है इसको थोड़ा सा आपको बहुत ही गंभीरता से सुनना होगा। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, क्योंकि कुछ लोगों ने इस वचन को इस तरीके से प्रचार किया, वो कहते हैं कि दोष लगाने का जो स्वभाव है वो स्वभाव शैतान का है। गौर से सुनो, फिर अगर दोष लगाने का शैतान का स्वभाव है, फिर पौलुस दोष निकालने की शिक्षा देता है, तो फिर पौलुस कौन सा प्रचारक हो गया? पौलुस कौन से परमेश्वर का सेवक हो गया? ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन उसका उसकी जड़ तक नहीं जाते, इसलिए ये लोग भरमाए जाते। अभी मैं आपको एक आत्मिक और एक सांसारिक उदाहरण दूंगा, गौर से सुनो इसको। यहां पे क्या दिया है कि ये जो दुष्ट शैतान है परमेश्वर के पास दिन रात जाता है। गौर से सुनो, प्रकाशित वाक्य 12:10 रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 10। इस वचन को लेकर कुछ लोग गलत इसका एक्सप्लेनेशन देते, इस वचन को लेकर कुछ लोग कहते आप दोष मत निकालो क्योंकि शैतान की मिनिस्ट्री है दोष लगाना। यस, आई एम एग्री विथ यू। अगर शैतान की मिनिस्ट्री है तो फिर पौलुस, पत्रस, योहन्ना और इवन हमारा यीशु मसीह क्यों कहता है कि आप सावधान हो जाओ। ये बातों को आप एक साचे में नहीं लेकर आ सकते, सिक्के की एक साइड देखनी चाहिए कि यहां पे हमें क्या हिदायत दी जा रही है। तो ये जो 10-15 मिनट मेरे पास बचे इसमें बहुत ही सावधान पूर्वक सुनो, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग इस वचन को लेते हैं रेवलेशन 12:10 के अनुसार कि आप दोष मत लगाओ क्योंकि ये मिनिस्ट्री शैतान की है, बराबर। ये जो बात है ना, आपको गहराई से मैं समझाना चाहता हूं जो मैंने परमेश्वर के पास से सुनी है। जब एक सांसारिक उदाहरण मैं आपको देता हूं, समझो एक बेटा है एक बाप है। गौर से सुनवा, बेटा बाप के सामने बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है, बेटा बाप के सामने बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, लेकिन इस बाप का एक विरोधी है। गौर से सुनो मेरी बात, इस बाप का एक विरोधी है और वो हमेशा उस बाप का वीक पॉइंट देखता है। क्या उसको हम ब्लेम कर सकते हैं, क्या इसको हम बता सकते हैं? और जब ये बेटा अपने गलत संगति में गिरता है, क्या गिरता है? गलत संगति में गिरता है, गलत लोगों के साथ भी बैठता है और परमेश्वर की संगति में भी बैठता है, 50-50 लाइफ। गलत लोगों के साथ उठता बैठता है, चर्च वाले लोगों के साथ भी उठता बैठता है। अब जो बाप का जो विरोधक है वो आता है और बाप को कहता है क्या तेरा बेटा बेटा करता है, देख वो सिगरेट फूकने वालों के साथ बैठा है, देख वो दारू पीने वाले के साथ बैठा है, देख उनके साथ वो भी छुपके छुपके कुछ गलत काम कर रहा है। दिन रात आके वो विरोधी उस बाप को दोष लगाता है। अभी उस बाप को समझ में नहीं आता कि अभी मेरे बेटे को मुझे कैसे सीधा करना है। वो बाप उसको प्यार से समझाता है, नहीं समझता है। वो बाप उसको कभी कभी फिर बहुत ही कड़ाई से डांट कर लाठी उठाकर उसको सीधा करता है। और जब वो बाप वो डिसीजन लेता है उसको कड़ाई से उसको सीधा करता है, वो बेटा गलत संगति में जाना बंद कर देता है, वो बेटा गलत लोगों के साथ जाकर बैठना बंद कर देता है और वो सीधी तरीके से बदल कर एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर देता है। अब वो विरोधी सोचता है अरे ये तो पूरा बदल गया है,
तो सवाल ये, क्या वो विरोधी आकर उस बाप को दोष लगाएगा क्या? देखते वक्त, क्योंकि बाप ने डांट फटकार कर लाठी मार कर उस बेटे को सीधा कर दिया, बराबर, ताकि फिर से कोई बाप को दोष ना लगाए। अभी ये मैंने सांसारिक उदाहरण दिया, अभी मैं आपको आध्यात्मिक उदाहरण देना चाहता हूं। आध्यात्मिक उदाहरण में जो 2 तिमोथी 4:2 में दिया है कि तू डांट और उलाने के सुधार, उनको बदल, उनको आगाह कर, उनको वार्न कर, उनको वार्निंग दे। अगर हम जैसे सेवक, मेरे जैसे सेवक अगर परमेश्वर के डॉक्ट्रिन को, वचन को अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, मतलब अन्य प्रकार की शिक्षा से और प्रकार के उपदेश से, विचित्र और नाना प्रकार की शिक्षा से, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से, व्यर्थ बातों की शिक्षा से, लुभावने वाली चिकनी चुपड़ी बातों की शिक्षा से, सड़े घाव जैसी शिक्षा से अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग को, सत्य मार्ग की निंदा होने के लिए अगर कोई बिगाड़ रहा है, तो परमेश्वर हमारे जैसे सेवकों को खड़ा करता है ताकि वचन की लाठी चलाकर, वचन की तलवार चलाकर, वचन का हथौड़ा चलाकर, ऐसे वचन को सुनकर, ऐसे प्रचार को सुनकर, परमेश्वर की कलाम की सत्य और गहराई की बातों को शिक्षा देने वाला, अन्य शिक्षा देने वाला, विचित्र शिक्षा देने वाला, गलत शिक्षा देने वाला, चिकनी चुपड़ी बातों की शिक्षा देने वाला, लुभावनी बातों की शिक्षा देने वाला, विचित्र शिक्षा देने वाला, अगर वो बदलता है और उसके जीवन में काम होता है और वो सीधी तरीके से चलना शुरू करता है। तीत का पत्र, तीत को लिखा हुआ पत्र 1:11 उसका मुंह बंद करना चाहिए। किसका मुंह? उस प्रचारक का मुंह नहीं रे बाबा, जो उसका मुंह, वो लूसीफर का मुंह। जब एक एग्जांपल, मैं अगर सेवकाई भी कर रहा हूं और गलत राह पे भी चल रहा हूं, तो उसका मुंह खुलता है, शैतान का मुंह खुलता है और परमेश्वर के सामने बोलता है, वाह वाह वाह, तू बहुत बोलता है ना राजू ठाकुर, बहुत अच्छा सेवक है, देख वो गलत मार्ग में भी है, उसका मुंह खुलता है। लेकिन अगर कोई सेवक का प्रचार सुन के मैं गलत राह पे जाने का मैं बंद करके मैं सिधाई से जब चलना शुरू करता हूँ, तब शैतान का मुंह बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वचन की शिक्षा से मैं सीधे रास्ते पे चलता हूँ और इसी वचन की शिक्षा से शैतान जो दोष लगाने के लिए परमेश्वर के सामने जाता है, उसका मुंह बंद किया जाता है। आमेन, हालेलुया। बहुत अद्भुत बात है। कुछ लोगों ने इस वचन को गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे इसकी सही दिशा बताई है। कौन सा बाप चाहेगा कि उसके बेटे के बारे में आसपास के पड़ोसी के लोग आकर उसके बेटे के बारे में दोष लगाए? कौन सा बाप चाहेगा, कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी संतान के बारे में कोई आकर दोष लगाए? फिर ये स्वर्ग का पिता है, वो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चों के बारे में ये शैतान आकर दोष लगाए। वो शैतान दोष ना लगाए, इसलिए परमेश्वर अपने अलग लोगों को खड़ा करता है। वो वचन की शिक्षा देकर गलत राह पे जाने वाले लोगों को सीधे राह पे लाता है। जब वो सीधे राह पे चलते तब शैतान का मुंह बंद होता है, वो परमेश्वर के सामने उस सेवक के बारे में दोष लगाने के लिए खड़ा नहीं होता है। हालेलुया। This is the secret of teaching ministry. This is the secret of powerful teaching ministry. ये teaching ministry BTS DTH की नहीं है, ये teaching ministry ये किसी Bible college की नहीं है, तो ये Holy Spirit college की है। Hallelujah. अगर कोई व्यक्ति बदलता है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमने जब से इस झूठी शिक्षा का, झूठी सेवकाई का और झूठे वचन की शिक्षा पे जब से खंडन करना शुरू कर दिया है, मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। गलत सेवकाई करने वाले अभी ऑनलाइन दिख रहे नहीं है, गलत तरीके से वचन का प्रचार करने वाले अभी गलत प्रचार करते वक्त दिखते नहीं है, झूठे सेवक नहीं दिख रहे हैं ऑनलाइन में। अभी आने के लिए बहुत कम लोग जरूरत नहीं कर रहे, क्योंकि उनको समझ में आया है उनका पाखंड पकड़ने के लिए परमेश्वर को खड़ा किया है, उनकी झूठी बातें पकड़ने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है। इसलिए अगर कोई कहता है प्रकाशित वाक्य 12:10 के अनुसार, झूठ
दोष देने की सेवकाई शैतान की है, उनको जाकर बताओ हमें वो सेवकाई दी है कि शैतान का मुंह बंद कर दिया जाए जो दोष देने के लिए मेरे परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। तो आशीषो इस वचन को गहराई से अध्ययन करो। मैं यहाँ पर मेरे प्रचार को रोक रहा हूँ, अब ये टीचिंग्स में दे रहा हूँ, इस टीचिंग्स को अच्छी तरीके से समझ लो, अच्छी तरीके से इसको फैलाओ ताकि भरमाने वाले लोग जो है वो